एक है कच्चा थीबू आइलैंड, लिखो अदर इश्यूज डालो, कच्चा थीबू आइलैंड, कच्चा थीबू आइलैंड। ये इस पे भी जयललिता गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा हंगामे मचाए थे, कच्चा थीबू आइलैंड। देखो लिख लिया, चलो यहां बना लेते दोबारा से। श्रीलंका कुछ ऐसे है, ऐसे ही इंडिया का कुछ हिस्सा है ये तमिलनाडु वाला, ठीक है। ये है राम सेतु या एडम्स ब्रिज, जो भी बोल लो इसको, है ना। इसके ऊपर ये है पाक बे और ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। यहां पाक बे में इधर एक आइलैंड था, इस जगह इसका नाम है कच्चा थीबू। ये जो आइलैंड था ये बेसिकली डिस्प्यूटेड आइलैंड था, है ना, दोनों लड़ रहे थे। इससे भी बड़ा इश्यू, चलो आइलैंड पे लड़ रहे हैं वहां तक तो ठीक है, अगर ये आइलैंड इंडिया की टेरिटरी है तो इंडिया के फिशरमैन यहां से यहां तक फिशिंग कर सकते हैं। अगर ये आइलैंड श्रीलंका की टेरिटरी तो इसके आसपास इंडिया के फिशरमैन फिशिंग नहीं कर सकते। अब आए दिन यही होता था कि कभी हम उनके फिशरमैन को पकड़ लाते थे, कभी वो हमारे फिशरमैन को पकड़ के ले आते थे। यहाँ पे वैसे भी तमिल जो लोग हैं जो आसपास कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वो करते ही फिशिंग है, इनके भी जाफना वाले करते क्या है, फिशिंग ही करते हैं। लोग दिखते भी एक जैसे हैं क्योंकि तमिल ही तो है, तो इन जनरल वैसा भी कंफ्यूजन हो जाता था। तो अल्टीमेटली 1974 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सीड कर दिया कि श्रीलंका को, कि तुम ही रख लो ठीक है, तुम्हारा ही आइलैंड। वैसे भी उस आइलैंड पे हमारा ऐसा कोई डेवलपमेंट तो था नहीं कि तुम ही रख लो आइलैंड। देन जयललिता गवर्नमेंट ने उस टाइम पर ही मुद्दा उठा दिया कि हाउ इंडिया कैन सीड, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किसी भी टेरिटरी को इंडिया अपना पार्ट बना सकता है विदाउट द कंसेंसस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन जयललिता गवर्नमेंट ने कहा कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन सीड अ टेरिटरी टू सम अदर कंट्री विदाउट द कंसेंसस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये मुद्दा उठ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यही कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट सीड भी कर सकती है और जो है ऐड भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसमें स्टेट्स के कंसेंसस की जरूरत नहीं है, ये आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कच्चा थीबू आइलैंड था, फिलहाल ये किसके पास है, श्रीलंका का आइलैंड है, हमने सीड कर दिया इसको। लिखेंगे इसमें, लिखो इट वॉज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड, इट वॉज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड इन पाक बे, डिस्प्यूटेड आइलैंड इन पाक बे, PALK पाक बे, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सीडेड इट, सीडेड इट, सीडेड इट इन 1974, सीडेड इट इन 1974 टू श्रीलंका। ठीक है, चलो एक बार ये आ चुका है क्वेश्चन कि कहां पर है ये आइलैंड। ओके, दूसरा हम यहाँ कुछ रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं, तो हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स, क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे काम जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो सके। रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स, एक तो हम यहाँ पे एक पोर्ट बना रहे हैं, हम्बनटोटा कौन बना रहा है, चाइना, इतना बड़ा पोर्ट है उसके सामने, हालांकि बहुत इग्नू सा पोर्ट है, यहाँ पर है कंकेसन थुरई। लिखो इंडिया इज डेवलपिंग, कंकेसन थुरई, कंकेसन थुरई, डेवलपिंग कंकेसन थुरई कंकेसन थुरई पोर्ट इन जाफना पेनिनसुला, जाफना पेनिनसुला। नेक्स्ट पॉइंट,
एक यहां पे हम फेरी सर्विस चला रहे हैं, इधर है तूती कोरिन और इधर है कोलंबो, यानी यहां से इधर, यहां पे तमिल लोग हैं तो फेरी सर्विस इधर से इधर लोगों को लाने ले जाने के लिए, ठीक है। लिखो अ फेरी सर्विस, फेरी सर्विस, फेरी सर्विस इज बीइंग स्टार्टेड, फेरी सर्विस इज बीइंग स्टार्टेड बिटवीन तूती कोरिन, तूती कोरिन एंड कोलंबो, तूती कोरिन एंड कोलंबो, ठीक। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन धनुषकोडी, एंड तलाईमन्नार, बिटवीन धनुषकोडी एंड तलाईमन्नार, धनुषकोडी इंडिया का एंड पॉइंट एंड तलाईमन्नार श्रीलंका का एंड पॉइंट, धनुषकोडी एंड तलाईमन्नार, ये हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स हैं। बाकी और देखो करंट अफेयर्स में क्या होता है उस बेसिस पे अपन इसको देखेंगे, ठीक है। ये श्रीलंका था, टेक अ ब्रेक है ना, 4:30 तक असेंबल हो जाओ, देन फिर आगे करते हैं। भूटान बचा है एक छोटा सा, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार भी।